हाँ, कैसे हो? ठीक हो? लक्ष्य एनर्जी की ओर से मैं हनु। आज हम बातें करेंगे, इससे पहले हम लोग बातें कर चुके हैं कौन से वीडियो पर? फिफ्थ पर। अब हम बात करेंगे सिक्स वीडियो। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इससे पहले हम बातें कर चुके हैं। बातें कौन सी की थी हमने? दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। और कुछ बताना है कि बताने कुछ रह गया? बस सब कुछ हो चुका है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। ये बार बार बातें बताने के लिए अब जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। आते हैं डायरेक्ट कहाँ आते हैं? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, उसने बोला है कि एक शहर की आबादी 35,000 है, पुरुषों में पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है और इसमें दिया है और महिलाओं की कितना दिया है उसमें? 4% की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर इतना इतना हो जाता है। अब देखते हैं, एक बात मुझे आप बताइए, पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है? 6%। महिलाओं में कितनी होती है इसमें? 4% की। कॉमन सेंस लगाएं आप, बड़ा सिंपल सा है। अगर एक पल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ ये 10,000 रुपये, इस 10,000 का मैंने आपसे कहा 4%, बात समझ ना कितना आएगा? परसेंट उड़ेगा, 2 0 उड़ेगा, यानी कितना आएगा? 400 रुपये। एक तरफ हमने क्या किया? 15,000 रुपये। इस 15,000 रुपये का हमने क्या लिया? 4%। ठीक है, परसेंट उड़ेगा, 2 0 उड़ेगा, 15 × 4 = 60, कितना आ जाएगा? 600। अब कॉमन सेंस लगाए, ये 400 600 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1,000 होगा। 1,000 इसकी जगह मैं ये भी तो कर सकता हूँ, इन दोनों को मिला दिया जाए और 10,000 और 15,000, ये कितना होगा? 25,000। और इसका कॉमन कितना था? ये 4, तो 4% मैंने इसका लूँगा। तो मेरे हिसाब से आप क्या कहेंगे, क्या ये 1,000 होगा कि नहीं होगा? ये 1,000 होगा। क्यों होगा? क्या आपको पता है? इधर देखें, चाहे मैं अलग अलग करूं उसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर 4% की बात की उसने कि 4% 10,000 का और 4% 15,000 का, तो मैं दोनों को मिला दूं और 4% बढ़ा दूं, तो देखें तो इसका भी 10,000 वाला भी बढ़ चुका है और कौन सा बढ़ चुका है आपका, और ये भी दोनों बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिया है कि 35,000 है, शहर की आबादी कितनी है? 35 है, पुरुषों की जनसंख्या बढ़ने की दर 6% है और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कितना है? 4% है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि कॉमन इस 35,000 में पुरुष और महिला दोनों हैं। ये बात समझ आ रही है? इस 35,000 में हमारा पुरुष भी है और कौन है? महिला भी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम क्या करेंगे, कॉमन को निकाल के अलग कर देंगे। और जैसे हम कॉमन को निकाल के अलग करेंगे ना, ये अपने आप से निकल के आएगा। देखो, जैसे इसने कहा 35,000, हम क्या करेंगे, इस 35,000 का कॉमन कौन है आपका? कॉमन कौन है आपका? चलो पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते, नहीं आपका हो गया। देखें यहाँ पर, देखें ये हो गया आपका पुरुष और ये महिला, तो ये है पुरुष। कौन है? पुरुष। पुरुष और ये कौन है? महिला। महिला, तो पुरुषों की बात की है तो पुरुषों का कितना बड़ा है? 6% और महिलाओं का कितना है? 4%। तो 6 को हमने तोड़ दिया ऐसे, और इसका कितना आ जाएगा आपका? महिलाओं का 4%। तो कॉमन कौन है आपका? 4। अगर ये 35,000 में कौन कितना नहीं आपको नहीं पता, आप क्या करोगे, यहाँ 35,000 से कॉमन को निकाल के अलग करोगे। देखें, इस कॉमन को निकाल के हमने अलग किया और ये कितना आ जाएगा आपका? ये सीधा सीधा मामला आपका आ जाएगा कितना? 1,400। अब देखें वृद्धि कितने की हुई, 35,000 से वो हो गया आपका 36,700, कितना है? 60। तो हम कहेंगे वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से कि 1760 की यहाँ पर वृद्धि हुई है। यही है ना वृद्धि कितने की, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? आ जाओ, तो 1760 की आपकी वृद्धि हुई है। यहाँ पर कॉमन हमने निकाल लिया, बताओ अतिरिक्त कितना बचेगा आपके पास? अतिरिक्त आप कहोगे 1760 में से हम 1400 को उड़ा दें तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा आपका 1760 में से 360 आपका बचेगा। ये किसकी वजह से आया? यदि अतिरिक्त 2% ना होता तो ये भी आपका ना होता, अतिरिक्त 2 की वजह से आया। खाली 4 4 कॉमन होता जैसे आपको 10,000 15,000 का दिखाया था कि इन दोनों को मिला दिया उसका कॉमन, ऐसे यहाँ पर कॉमन आपका 4% है, अतिरिक्त कितना? 2। तो हम कहेंगे 2% अतिरिक्त होने की वजह से कौन आया अतिरिक्त? ए। तो हम कहेंगे अतिरिक्त कितना? 360। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। ये हमेशा अतिरिक्त वाला मामला आएगा, इस 2 से उड़ाएंगे इसे और कितना उड़ेगा आपका, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 18।
और ये जो होगा वो 6% होगा। कौन सा होगा? 6%। ये तो हुआ आपका मामला कि हम लोग ऐसे करें, इस टाइप से करें, उसको करते चलें और ये आपका आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब इसी चीज़ को हम जब एग्जाम हॉल में बैठे हों, सवाल उठता वो ये उठता है कि क्या ऐसे करेंगे, क्या ये दोबारा से फिर से मरैया तैयार करेंगे, क्या यहाँ पर 4 रखेंगे, क्या यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या ये सब थोड़ा सा लंबा लग रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, हम क्या करेंगे, कॉमन को निकाल के अलग करेंगे। जो अतिरिक्त है, अगर वो अतिरिक्त ना होता तो ये अतिरिक्त भी ना आया होता। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका देखते हैं कि एग्जाम हॉल में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं इसी को, हम देखते हैं कि हम एग्जाम हॉल में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में अलग तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। उसकी वजह जल्दी से पटाख से क्लियर हो रहा है ना चीज़ें कि नहीं हो रही हैं? चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। पीछे भैया क्लियर हो रहा है आज? अब देखते हैं हम इसके बारे में कैसे कैसे बात है, क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखें हम एकदम चीज़ें बड़ी सिंपल है। देखना हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर 4 दिया है आपका, 4% और 6%, तो कॉमन हमेशा कौन सा होगा, कम वाला कॉमन होगा, ज़्यादा वाला कभी कॉमन नहीं हो सकता। तो हम सीधा सीधा इसका इस 35,000 का क्या करेंगे, इसका कॉमन को निकाल के अलग करेंगे और इसका कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना, 1400 आपका आएगा। आप कहेंगे 1760 में से उस 1400 को उड़ा देंगे तो 360 बचेगा। अब वो अतिरिक्त है, कितना अतिरिक्त है, कॉमन निकाल दिया, कितना अतिरिक्त है इसका, 2%। हम कहेंगे 2% के बराबर कितना, 360, दुनिया में सब कुछ कितना, 100%, कहानी खत्म। तो आ जाओ 2x बराबर कितना आ जाएगा, 100, और इंटू कितना आ जाएगा, 360। इस 2 से उड़ेगा कितनी बार उड़ेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 18,000। अब आपसे सवाल ये भी कर सकता है कि चलो 18,000 ये आ गया, ये किसका आया, ये तो 6% वाले का आया और ये आपका आंसर आ चुका है। गलती से आपसे पूछा जाता बताओ 4 वाले का कितना होगा, कि 4% पर जो बढ़ रहा है वो कितना होगा। तो हम सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, इस 35,000 से 18,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 17,000 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम कहेंगे 17,000, सिंपल सा फंडा, क्लियर है। तो एग्जाम हॉल में जब भी बैठे हो आप कॉमन को निकाल के अलग करोगे। अब यही क्वेश्चन कहां कहां कैसे कैसे कब कब आ सकता है, अब इसको देखो थोड़ा सा बताते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं अगला अगर इसी को बनाऊं तो ऐसा ही का बना सकता हूं। वो कैसे कि बुधई के पास 35,000 रुपए हैं, उसने खिलावन को दिया 6% की दर पर उधार और जंगी को दिया 4% की दर पर उधार, कुल मिला के वर्ष के अंत में उसे साधारण ब्याज के रूप में कितना, 1760 रुपये मिलता है, या उसका अमाउंट 36,760 हो जाता है। तो क्या इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं, तब भी उसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस में। कैसे, इस क्वेश्चन में हम बोलें कि बुधई 35,000 रुपये हैं, एक घोड़े को बेचा उसने 6% के लाभ पर, तो दूसरे को बेचा उसने 4% के लाभ पर, कुल मिलाकर उसे दोनों पर उसे 1760 रुपये का लाभ हुआ है। तो बताओ 4% की दर पर, 4% के लाभ पर बेचे गए घोड़े को कितने में खरीदा होगा, यही क्वेश्चन ही आ जाएगा, यही क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो वो 17,000 आएगा और बोलता है नहीं, 6% की लाभ पर बेचे गए घोड़े को इतने खरीदा होगा तो कितना, यही क्वेश्चन एक जगह और आ सकता है। वो कैसे कहेगा, बुधई 35,000 रुपये में 16 घोड़े और 32 घोड़ियाँ लाया, घोड़ों को है 6% के लाभ पर बेचता है, घोड़ियों को है 4% के लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर वर्ष के, कुल मिलाकर दोनों से उसे 1760 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ उसने एक घोड़ी कितने में खरीदा होगा, पहले घोड़े का घोड़ियों का निकाल दे और जितनी भी संख्या उसको डिवाइड कर दे। कुल मिलाकर क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ये 3 जगह 4 जगह पूछा जा सकता है। बात एकदम क्लियर है ना? अब आते इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पक्का पता है क्योंकि आप उसे कर चुके हैं। कॉमन कौन है, 6% या 10%? 6%, सिंपल बात है, ठीक है। 80,000 था, 86,000 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, 6,000 की। 80 से 86,000 हो गया तो वृद्धि कितने की हुई, 6,000 की। कॉमन कौन है आपका, 6% है कि 10%? 6%। तो हम क्या करेंगे, इधर देखें, 80,000 को लेंगे और इसका कॉमन कितना है, 6% इसका है, 20 से 8 × 6 कितना आ जाएगा, 4800। आप देखोगे अतिरिक्त कितना मामला बनेगा, अतिरिक्त क्या, हम कहेंगे 6,000 में से 4800 को माइनस किया, 4800 को माइनस किया कितना आ जाएगा, 12। अतिरिक्त है कितना, 4%। क्यों, क्योंकि एक 10 दिया है तो दूसरा कितना दिया, 6। तो हम कहेंगे कि 4% अतिरिक्त किसके बराबर है,
अगर ये अतिरिक्त 4% ना होता तो ये 1200 ना आया होता। तो 4% दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। कहानी फिर से जनाब क्या हो गई, खत्म। और 4x = कितना आ जाएगा, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी भी नहीं हुआ, 400 रहेगा कितनी बार, 3 बार। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30,000। 30,000 यहाँ है, ये किसका होगा, अतिरिक्त वाले का। वो कौन है आपका, 10%। आंसर आपका आ चुका है। और आप चाहे तो नहीं, 6 वाला चाहिए तो 50,000 में से 30,000 उड़ाएंगे, 80,000 में से 30,000 उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। तो ये बातें थी, ये बातें बड़ी प्यारी थी। और इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है तो इसे आप ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। कॉमन को निकाल के अलग करना है, एग्जाम हॉल में बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब इसी का हम आगे की चीज़ें लेंगे, तो वहाँ पर आपको टाइप चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, टाइप, बस टाइप चेंज करना होगा, ठीक है। टाइप इसका नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप आपको चेंज करना होगा कि टाइप वो आपका अलग है, कौन सा है, अलग टाइप। अब देखते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से पता है, वीडियो बढ़िया बढ़िया आराम से वीडियो देखते रहना, सारे वीडियो देखना आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी मोहतरमा को भी बता देना, क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से, तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन जरूरी बताना, तो थोड़ा सा मामला। और ट्रिक नहीं पढ़ना है, ट्रिक का बहुत बड़ा मामला झमेला है। कोई भी ट्रिक आप पढ़ते हो तो ट्रिक के साथ प्रॉब्लम है क्या, ट्रिक आप 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 या 1 महीने 2 महीने में भूल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो पता चला कि नहीं तो ट्रिक आपने याद की और आपको क्वेश्चन पूछा, आज आपने अपनी मोहतरमा को बता दिया, 2 महीने के बाद पता चला कि मोहतरमा को लगा कि आपको बहुत मैथ आता है, और 2 महीने के बाद कहानी बदल गई, आप तो ट्रिक भूल गए। उसने 4 अपनी सहेलियों को बुला लिया और वहाँ पर देखा, क्या देखा मामला, कि मामला आप तो अब जैसे ही आपको नहीं पता था कि क्वेश्चन पूछने बुलाया, आप पूछा, आपको लगा पार्टी देने के लिए बुलाया, वहाँ पूछा बोले क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके ऊपर से नीचे तक क्या हड्डियाँ क्या होने लगी, झूलने लगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है तो रिविजन ही नहीं किया। क्वेश्चन सामने आया, आप पसीना पसीना होने लगे, एक क्वेश्चन नहीं बताया, 2 नहीं बताया, 3, उसी क्षण आपको लगेगा कि धरती फट जाए, मैं सीता माँ की तरह समा जाऊँ, ना धरती फटने वाली ना तुम। इसलिए कहते हैं क्या कि ट्रिक नहीं, ऐसी चीज पढ़ें जो अर्थी तक जाए और अर्थी तक कॉन्सेप्ट जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में क्या बोला है क्वेश्चन, देख कहता है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, जब भी हम रेट निकालते हैं तो मुद्राएं कहाँ आती हैं, अगर हमने रेट निकाला है तो मुद्राएं हमेशा कहाँ आती हैं जनाब, ऊपर। ये मुद्रा होंगी और यहाँ पर एक क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर क्या रहेंगे, रुपए हमेशा कहाँ होगा, कितने रुपए यहाँ होगा और यहाँ क्या होगी आपकी मात्रा। ये छोटी छोटी बात है तो कम से कम जानते होगे यार कि पापा ने कहा बेटा 100 रुपये ले जा और कितनी खैनी ले आ, 25 खैनी ले आ। खैनी जानते हो कि नहीं, खैनी बड़े पैकेट में छोटे पैकेट को मिलाया, हर तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आपको देखेंगे कि इंडिया के अंदर ऐसे हिलाता हुआ मिलेगा, आजकल नए खैनी का स्टार उसको खाता वही होती। तो 100 रुपये में तो आप क्या कहोगे जनाब, आप कहोगे कि 100 रुपये में 25 खैनी, तो आप क्या कहोगे कि 4 रुपये प्रति खैनी वाला मामला। कुल मिला के मुद्राएं कहाँ होती है, ऊपर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या है कि 20% की कमी होने के कारण, 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति क्या किया, एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो हम दुनिया में सब कुछ क्या है, 100%। तो 20% के बराबर यदि आपका कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, तो दुनिया में सब कुछ है क्या, तो 100% के बराबर मामला कितना, तो हम क्या कहेंगे 20, और ये मामला आपका बनेगा। और कितना बने, 20 जोड़ेगा 20, 5, 100, यानी x = कितना आ जाएगा आपका 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम गेहूं होगा, लेकिन वो गेहूं कौन सा होगा, वो नई क्वांटिटी होगी, वो नई मात्रा होगी। आप देखें 20% की कमी होने से 5 किलोग्राम अधिक, यानी इसमें आपका 5 किलोग्राम अतिरिक्त जुड़ा हुआ है। तो आरंभिक बोले या इनिशियल बोले या ट्रू बोले, जो भी बोलना बोले, आरंभिक बोले ये सभी माना, या ओरिजिनल बोले, जो बोले बोले, वास्तविक बोले, आरंभिक बोले, वास्तविक बोले, या क्या बोले, कुछ भी बोले, तो आरंभिक बोले, वास्तविक बोले, ओरिजिनल कुछ भी बोले, तो ये कितना आएगा, हम पहले 25 नहीं, इसमें कितना ज्यादा है, 5 किलोग्राम, 5 को उड़ा देंगे तो मेरे हिसाब से 20 किलोग्राम, और आपके हिसाब से भी 20 किलोग्राम आएगा। अब उसने कौन सा रेट पूछा है, अभी का पूछा है कि आरंभिक, पुराना वाला, तो पहले हम 20 किलोग्राम खरीदते थे कितने रुपए में, 320 रुपए में, तो रेट आएगा आपका 320 रुपए में 20 किलोग्राम 0 से 0, 16 रुपए प्रति किलोग्राम। बताओ कोई प्रॉब्लम है,
कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी चीजें। हमने इसमें से क्यों माइनस किया? क्योंकि उसने बोला 20%। ये हमने दुनिया में 100 क्यों लिया? कुल क्वांटिटी हम कितना कमी के बाद, कुल हम 25 किलोग्राम अब खरीद पा रहे हैं और इसमें 5 आपका अतिरिक्त जुड़ा, 5 उड़ाया तो पहले कितना, 20 किलोग्राम। सिंपल सा फंडा, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़े। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा जनाब, अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आग लगाए ना लगाए पर सॉल्व होना चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, जब प्रॉफिट लॉस देखोगे ना तब पता चलेगा मैथ क्या होता है, जड़ें क्या होती हैं। जड़ों को पकड़ना है टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में तो आग लगा देंगे हम। आग समझ रहे हो ना, आग, आग ही लगाना है, पता है ना व्हाइट शर्ट वाले भैया, आग लगाना है हमको, ठीक है ना, समझ रहे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट क्या कहता है। अंडे की कीमत में अब देखना 20% की वृद्धि होने से, अब की बार क्या आ जाएगा, वृद्धि। अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो 2 अंडे कम मिलते हैं, 2 अंडे कम, तो इसका 20% 2 अंडे के बराबर है, तो कुल अंडे कितने, 100%। ये कुल कौन से, नए वाले, यही उड़ा दे, यहाँ 0 से 0 उड़ा दिया, लो 2 से 2 उड़ा दिया। एक्स की वैल्यू कितने आएंगे, 10 अंडे। लेकिन वो 10 अंडे कौन से होंगे, सॉरी वो 10 अंडे होंगे कौन से आपके, वो 10 अंडे हमारे नए अंडे होंगे। अब आप क्वेश्चन उसमें डिफरेंस देखें, वर्तमान का मतलब कमी या वृद्धि का। अब इसमें हम क्या करेंगे, ना तो 2 जोड़ेंगे और ना ही 2 घटाएंगे, क्यों, वजह क्या है, वजह क्या, वर्तमान पूछा, उसमें आरंभिक पूछा था, वर्तमान का मतलब क्या, इस समय और इसी समय का रेट पूछा है, और एक दर्जन पहले एक का रेट तो हम निकाले, मुद्राएं कितनी थी, 24 रुपए, तो रेट हम कहेंगे जनाब रेट कितना आएगा आपका, तो 24 रुपए में कितना, 10, यानी रेट क्या होगा, 2.4 रुपए पर एग। एक आपको कितने चाहिए, 12, कितने, तो 12 का आंसर कितना, 2.4 × 12 कितना आएगा, 28.8। बात है खत्म। सवाल तो अंदर से एक और ही भी उठ रहा होगा आपके, किस में इसने ना तो प्लस किया ना माइनस, फिर समझें पुराने वाले में क्या किया था, पूछा था आरंभिक, इसमें पूछा वर्तमान, समझ रहे हो, कमी या वृद्धि के बाद। क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए, जब क्वेश्चन जितना क्लियर होगा ना उतना ही मजा आएगा, और क्वेश्चन क्लियर हो, बस क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन, समझे। आज मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए बोला है कि आप जिससे पहले एक बार वीडियो कंप्लीट देखें, फिर आप चाहें तो उसका आप आसानी के साथ उसका नोट कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं बातों को, पहले क्वेश्चन उसको वीडियो देखो फिर उसको, ठीक है, और आप लोगों को तो करना ही है ना, ठीक है। अब जैसे देखो ये लड़का बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को समझ ले भैया क्वेश्चन। अब देखो आ जाओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, नेक्स्ट क्या कहता है, चावल के मूल्य में 25% की कमी, तो हम कहेंगे 25% किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2 किलोग्राम। दुनिया में सब कुछ क्या है आपका, 100%, कहानी खत्म। देखो 25 से हैंग उड़ा दे कि अब नीचे जाए, यार बार बार तुम लोग पता परेशान करते हो कि नीचे जाओ, लो अब तो खुश, एक स्टेप भी बजे बढ़ाते हो आप, 25 × 4 एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8, कितना किलोग्राम है, 8। अब मुझे एक बात बताओ आप, बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसमें आपसे कौन सा पूछा है, तो कमी के बाद वाला, तो ना तो इसमें जोड़ेंगे ना घटाएंगे, तो कमी के बाद वाला इसका आपसे पूछा है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य बताना है, तो ये कौन सा है, कमी के बाद वाला ही तो है यार, तो नया रेट पूछा है, समझ रहे हो ना, नया रेट, तो नया रेट कितना है, रेट कैसे निकलेगा, मुद्राएं कहाँ है, कितनी मुद्रा है जनाब, मुद्राएं आपके पास है 240 रुपए, और आप देखें 240 रुपए कितना किलोग्राम, 8 × 30 30 रुपए प्रति किलोग्राम। बताओ संकट है कहाँ, ऐसा कोई संकट जो आपको रह रहे के सता रहा हो, अब एक संकट तो हमेशा सताएगा यार, कि उनसे बात नहीं हो पा रही है, फोन नहीं लग रहा है, वो तो हमेशा रहेगा, उसको गोली मारे हमें इस समय संकट, अगर ये संकट खत्म हो गया ना, दुनिया के सारे संकट खत्म, फिर तो आराम से अपन सब कर ही लेंगे, टेंशन नहीं, सिलेक्शन हो जाए बस एक बार, चला जाओ ले लेना स्क्रीनशॉट, हो गया। अब देखें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद फिर कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ मज़ेदार बातें होंगी फिर, चलो देखो क्या कहता है। देखो चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो दुनिया में सब कुछ क्या, 100%, वहीं से उड़ा दे, 0 से 0 उड़ा दे यार, क्यों बार बार परेशान करते हो,
देखो सिंपल, ये कौन सा मामला है आपका, नया कि पुराना? नया। आपसे कीमत कौन सी पूछी है, नई या पुरानी? कौन सी कीमत पूछी आपसे? आरंभिक पूछी है। इसमें कितना किलोग्राम अधिक है? एक अधिक है। तो हम कहेंगे आरंभिक मामला जो बनता था, आरंभिक जानते हो कि नहीं जानते? आरंभिक बोले, इनिशियल बोले, ट्रू बोले, ओरिजिनल बोले, ये सभी मामला एक ही होता है। तो हम 10 में से एक उड़ा देंगे। और कितना किलोग्राम, इसका मतलब हम पहले 9 किलोग्राम खरीद पाते थे, वो भी कितने रुपए में? 270 रुपए में। तो मुद्राएं कहाँ आएगी, फिर से आ जाओ, तो रेट क्या? तो 270 रुपए में कितना किलोग्राम? 9। हम कहेंगे कितना? 9 × 3 = 37 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मुझे बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? है क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा फंडा। अब क्या होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, किसी के जीवन में दुख हो तो मुझे बताओ, ये वो दुख भी दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा। ठीक है, आगे का वीडियो देखने के लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसलिए क्या करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।